सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज वैष्णो देवी चौक पर सहकारी मंच के सदस्यों ने भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर अभिवादन किया। सभा का आयोजन सहकारी मंच अध्यक्ष मनोज अग्रवाल द्वारा चंदन गोस्वामी की अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम श्याम बंग ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के तैलचित्र का पूजन किया। चंदन गोस्वामी ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। चंदन गोस्वामी, मनोज अग्रवाल, पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी, मधुसुमन सारडा, संजय रावल, संदीप डेनंगला, अशोक सोमानी, मुकेश खंडेलवाल, गोपाल नागदिया, अशोक बंग जैन ने उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को पर्व के रूप में मनाया जाता है। भारत समेत पूरे विश्व में यह त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आम्बेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकाट विद्वत्ता के लिए माने जाते हैं और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपी से इन्होंने 14 अप्रैल 1928 में पुणे नगर में मनाई थी। रणपी से आम्बेडकर के अनुयायी थे, उन्होंने आम्बेडकर की जयंती की प्रथा शुरू की और भीम जयंती के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा हाथी के अंबारी में रखकर रथ से ऊंट के ऊपर कई मिरवणूक निकाली थी। NBC News के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।